नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। आदि शंकराचार्य एक उपाधि है जो कि सत्य सनातन हिंदू धर्म की सर्वोच्च धर्म गुरु को दी जाती है। जैसे कि बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप होते हैं, उसी तरह सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद होता है। इस पद को ईश्वरीय शक्ति के द्वारा ही निर्मित किया जाता है। इस पद की परंपरा आदि गुरु शंकराचार्य ने आरंभ करी, जो कि भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक संपूर्ण कलयुग के धर्म गुरु थे। इन्हें जगत गुरु के तौर पर मान्यता प्राप्त है, एक उपाधि जो हर युग में एक ऋषि को प्राप्त होती है। सतयुग में वामन, त्रेता युग में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ व द्वापर के सदगुरु वेदव्यास थे। शंकराचार्य जी का जन्म 507 से 508 ईसा पूर्व में केरल में काल्पी अथवा काशाल नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु व माता का नाम अयम्बा था। बहुत दिन तक शिव की आराधना करने के पश्चात शिवगुरु ने पुत्र रत्न पाया था, अतः उनका नाम शंकर रखा। जब ये 3 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। ये बड़े ही मेधावी व प्रतिभाशाली थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही ये प्रकांड पंडित हो गए और 8 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। इनके संन्यास ग्रहण करने के समय की कथा बड़ी विचित्र है। कहते हैं माता एकमात्र पुत्र को सन्यासी बनने की आज्ञा नहीं दे रही थी। तब एक दिन नदी किनारे एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर पकड़ लिया। तब इस वक्त का फायदा उठाते हुए शंकराचार्य जी ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दो, नहीं तो ये मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत इन्हें सन्यासी होने की आज्ञा दी। और आश्चर्य की बात कि जैसे ही माता ने आज्ञा दी, वैसे तुरंत मगरमच्छ ने शंकराचार्य जी का पैर छोड़ दिया और इन्होंने गोविंद नाथ से संन्यास ग्रहण कर लिया। पहले ये कुछ दिनों तक काशी में रहे, तब इन्होंने विजल बिंदु के तालवन में मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया। इन्होंने समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके बौद्ध धर्म को मिथ्या प्रमाणित किया तथा वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया। कुछ बौद्ध इन्हें अपना शत्रु भी समझते हैं, क्योंकि इन्होंने बौद्धों को कई बार शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करी। 32 वर्ष की अल्प आयु में संवत 477 ईसा पूर्व में केदारनाथ के समीप शिवलोक को गमन कर गए। इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी, उत्तर मठ, ज्योतिर्मठ जो कि जोशी मठ में स्थित है, जिसके शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद जी सरस्वती जिन्होंने 2022 में देह त्याग दिया। इसके पश्चात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने पद संभाला। पूर्वी मठ जिसे गोवर्धन मठ भी कहते हैं, पुरी में स्थित है। इसके वर्तमान शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती जी हैं। यह करपात्री जी के महाराज के शिष्य हैं। दक्षिणी मठ श्रृंगेरी शारदापीठ जो कि श्रृंगेरी कर्नाटक में है, इसके वर्तमान शंकराचार्य भारती तीर्थ हैं। पश्चिमी मठ द्वारिका पीठ जो कि द्वारका में स्थित है, स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जी यहाँ के शंकराचार्य जी थे, जिसके बाद में स्वामी सदानंद जी अभिषिक्त हैं। आदि शंकराचार्य जी अंतिम दिनों में कांची कामकोटी पीठ में निवास कर रहे थे।